रायपुर से इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बता दें पूर्व सीएम रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री पन्नूलाल मोहिले मौजूद बताए जा रहे हैं। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, पूर्व सीएम रमन सिंह प्रेस वार्ता कर रहे हैं, धर्मलाल कौशिक भी इसमें मौजूद है। बना हुआ है कि ये कैसे परिवर्तन हुआ है, आम आदमी किस प्रकार भयभीत महसूस कर रहा है, अधिकारी कर्मचारी से लेकर समाज के सभी वर्ग जिनसे जो वादा किया था वो वादे के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है ये गौरव का विषय नहीं, ये गर्त में ले जाने का विषय है, जिस दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज प्रदेश में गांजा तस्करी, ब्राउन शुगर, नशीली गोली, अफीम, चरस, शराब की तस्करी और ये ठगी का स्टार्टअप बन गया है छत्तीसगढ़। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, अंडरवर्ल्ड का गैंग का शूटर रायपुर में मिलता है, जुआ और सट्टा पुलिस के संरक्षण में हो रहा है, इसका कारण ये हो रहा है कि आज स्थिति ये है, हर चीज़ बिकाऊ है। थानेदार की पोस्टिंग से लेकर एसपी की पोस्टिंग का आईपीएल की तरह रेट लगता है, फिक्स रेट है, किस थाने में जाना है, किस पुलिस अधीक्षक किसको बनना है, इनका रेट फिक्स है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का रेट फिक्स है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में दुनिया में कहीं नहीं होगी जो स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और ये पूरी सरकार की स्थिति ये है कि आज पूरे के पूरे थाने बिके हुए हैं और इसलिए जुआ सट्टा अपराध की लगातार वृद्धि हुई, जिसके आंकड़े मैं बताऊंगा और इस आंकड़े को मैं तुलना करूंगा राष्ट्रीय स्तर में, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो अपनी रिपोर्ट पेश करता है और नेशनल क्राइम ब्यूरो जब रिपोर्ट पेश करता है तो उसका अध्ययन पूरे राष्ट्रीय स्तर में अध्ययन के साथ रिपोर्ट पेश करता है। और छत्तीसगढ़ आज हम कहाँ खड़े हैं, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जो आज गौरव दिवस मना रहे हैं उनको एक बार उस रिपोर्ट को जरूर पढ़ लेना चाहिए कि उस रिपोर्ट की क्या स्थिति है। दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान में, क्या क्या कीर्तिमान है उसके मैं याद दिलाना चाहता हूँ। डकैती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पाँचवें स्थान में है, फिरौती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान में है, हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान है और आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे स्थान में है। ये हमारी उपलब्धि है। ये चार साल गौरवमयी बिताने के बाद आज किसान से लेकर समाज के सभी वर्ग लूट, हत्या, फिरौती में कैसे परेशान हैं, उसके एक छोटे से आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है। ये कोई डॉक्टर रमन का रिपोर्ट नहीं है या भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं है, ये किस दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जाना चाहते हैं। दो दिन पहले की घटना, बिलासपुर में दिन दहाड़े पुलिस थाने से 500 मीटर दूर कांग्रेस के महामंत्री तथा कथित महामंत्री की गोली मार के हत्या हो जाती है, बाद में उसको हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया जाता है। उसके कार में महामंत्री का बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड लगे के साथ साथ जिस प्रकार की घटनाएं रायपुर में, जिस प्रकार दिन दहाड़े घटनाएं रायपुर में लूट की, हत्याओं की, अपराध की जिस प्रकार हो रही है, तो आज लोग घर से निकलने में डर से महसूस करते हैं। और पिछले चार साल के कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले चार वर्षों में प्रदेश में 19,667 आत्महत्याएँ हुई, पिछले चार साल का आंकड़ा है। जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार बनी है, उस बघेल की सरकार बनने के बाद चार वर्षों में